to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी और मिली आटा दाल और चना। सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे सांसद ने कहा कि आज 90% नौकरियां संविदा पर लग रही है, यानी जब चाहे रख लिया, जब चाहे फेंक दिया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां के पद खाली हैं, इसलिए खाली हैं क्योंकि सरकार पैसा बचाना चाहती है। सरकार का काम बिजनेस करना ही नहीं, बल्कि जो कमजोर लोग हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नई नौकरियों की बात कर रही है, लेकिन 1 करोड़ पदों का क्या होगा। वास्तविकता यह है कि जो पैसे बचेंगे वो चुनाव में आटा दाल और चना बांटने के काम आएंगे। यूपी में 18 लाख लोगों की नौकरी से हटाया गया। वरुण गांधी ने कहा कि निजीकरण की वजह से यूपी के 18 लाख लोगों को पिछले 5 साल में नौकरी से हटाया गया है। यूपी पहले से ही बेरोजगारी की चपेट में था, अब इसमें 18 लाख लोगों का आंकड़ा और बढ़ गया है। सांसद बोले कि सरकारी नौकरी पहले आम आदमी के लिए एकमात्र नौकरी थी, आसानी से मिल जाती थी। जब से निजीकरण हुआ है तब से नौकरी पाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी कठिन है। यही वजह है कि भारत 2 बन गए हैं। एक भारत में लोग आसानी से दौड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे भारत का लगातार भट्टा बैठता जा रहा है। 7 वर्षों में मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में 28 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दी, लेकिन नौकरी मात्र 7 लाख लोगों की मिली है। प्रत्येक वर्ष 15 लाख से अधिक इंजीनियर पढ़ाई कर निकलते हैं, लेकिन नौकरी मात्र 15% लोगों को ही मिलती है। एक गांव का किसान कर्ज लेकर अपने बेटा को पढ़ाता है, लेकिन जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तो सोचो उसके दिल पर क्या गुजरती है, जबकि आज के दौर में कर्ज लेकर पढ़ाई करना आसान नहीं है। वहीं बात करें तो अग्निवीर योजना पर भी निशाना साधा। सांसद ने सवाल किया कि एक अफसर या आर्मी का योद्धा बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। अग्निवीरों से 5 साल सेवा लेने के बाद उनको निकाला जाएगा। गाँव लौटने के बाद जब उनके पास गाँव में कोई काम नहीं होगा तो भला वह क्या करेगा, क्या यह सेना का अपमान नहीं है। बता दें कि सांसद वरुण गांधी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर जिले में पहुंचे थे। सांसद ने पहले दिन क्षेत्र के गांव अभय, भगवंतपुर, सुराहा, मजगवा, रडेता, रोहनिया, घुड़ा आदि गांव में जनसंवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुना है। बाकी वरुण गांधी ने जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा है उसको लेकर आप क्या कहते हैं, बताइए।